मुझे तो बहुत ज्यादा ट्रोलिंग होती है. मेरा जो रिएक्शन आता है, मेरा रिएक्शन और मेरा टैग करने का एक सिंपल सा कारण है, और जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने बहुत बार बोला है ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. कड़े शब्दों में बोल सके कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और उसके लिए सजा तय हो सके, तो ऐसी चीज़ें अपने आप बंद हो जाएंगे. तो ये जो लोग हैं उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता. एक सवाल आपसे था. जब परिवार की सुरक्षा की बात आती है, जैसे रिसेंटली आपकी बेटी को भी बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज में सोशल मीडिया पे ट्रोल किया गया, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? हालांकि मुंबई पुलिस इस मामले में भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या वो ट्रोलर का कुछ लड़कियों को आप एडवाइस देना चाहेंगे? नहीं, इसमें तो देखिए, जब मुझे तो बहुत ज्यादा ट्रोलिंग होती है, मैं इग्नोर करता हूँ. और बेसिकली इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन हाउ समबडी रिएक्ट टू इट. लाइक सबको ट्रोल ये भी होती होंगी, हर कोई होता है. मेरा जो रिएक्शन आता है, मेरा रिएक्शन और मेरा टैग करने का एक सिंपल सा कारण है, और जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने बहुत बार बोला है ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. लेकिन अगर मैं जानता हूँ ये बात कि कोई आदमी अगर स्ट्रांगली ये बात कह सके, स्ट्रांगली और मीन करके कड़े शब्दों में बोल सके कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और उसके लिए सजा तय हो सके, तो ऐसी चीज़ें अपने आप बंद हो जाएंगे. इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जो साइलेंस होता है उनका ऐसे समय पे, वो जो है एनकरेज करता है इन लोगों को. ये जो लोग हैं उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता. हर आदमी अपने छोटे छोटे शहर में लगता है कि जब मैं ऐसी कोई बात कहता हूँ अपने प्रधानमंत्री या अपने स्टार या किसी के बिहाफ पे, या सलमान खान का फ़ैन शाहरुख खान के फ़ैन को ट्रोल करता, उनको लगता है कि शायद इनडायरेक्टली, जो छोटे शहरों की जो मानसिकता होती है वो ऐसी होती है कि शायद इनडायरेक्टली उनको पता चलेगा कि मैंने उनके लिए ऐसा किया है, तो शायद उनको एक कनेक्शन सा फील होता है. तो ये जो है, इसको बंद करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स चाहिए. इसके लिए ऐसा नहीं है कि किसी को सज़ा मिलनी चाहिए या कुछ ऐसा, क्योंकि ये जो ट्रोलिंग है एक एक्साइटमेंट में होती है. कई लोग जो है बिना सोचे समझे ऐसे करते हैं. मैं तो पहले ट्रोल्स का के जवाब में खुद ही ट्रोल बन जाता था उनका. लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद, जब आपको देखता है कि आपके घर में जब ऐसा रिएक्शन आता है, जब मुझे ऐसा मैसेज आया मेरी बेटी का और जिस तरह का रिएक्शन आया, उस पे मुझे था कि मैं क्या करूँ. मतलब मुझे मालूम है कि आप पुलिस के पास जाइए, FIR किए, हमने वो सब किया. और उनका भी एक अपना प्रोसेस होता है, और IT को लेकर उनका प्रोसेस मुझे अभी पहली बार समझ में आया. बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली अबाउट आप कहाँ रहते हो, आपकी बेटी कहाँ पे मैसेज देखा गया, कौन सा एरिया है. हमने कुछ 3 पुलिस स्टेशन बदले, तब जाके हमें करेक्ट जगह पे जाके FIR हुआ. उसका भी एक लॉज है जो हम अनभिज्ञ हैं, हम जब उसमें जाते हैं तब पता चलता है. बट ज़रूरी मेरा टैग करने का रीज़न या किसी भी चीज़ का रीज़न एक सिंपल सा है कि जब तक स्ट्रांगली एक लॉ नहीं आता या स्ट्रांगली कोई कड़े शब्दों में निंदा नहीं करता, और मैं अगर चाहूँगा कि मेरे लोग जो मेरे लिए काम करते हैं इस तरह की हरकत ना करें मुझे डिफेंड करने के लिए कुछ, तो नहीं होगी ये बात. अगर मैं जेन्युइनली चाहूँगा तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी. ये जो एटमॉस्फेयर ऑफ फियर जो पैदा हो रहा है, और ये जो एटमॉस्फेयर आपकी हम कह सकते हैं, इस तरह का सवाल आना कि आपको डर नहीं लगता, इस तरह का सवाल पूछना ही नहीं चाहिए. किसी को किसी बात से क्यों डरना चाहिए? मुझे अगर किसी के बारे में कुछ कहना है तो मुझे डर नहीं लगना चाहिए. मुझे कुछ सवाल पूछना है तो मुझे डर नहीं लगना चाहिए. और एक डेमोक्रेसी आपको एक सवाल पूछने का हक देती है. मुझे सवाल पूछने के लिए डराया जाए और सवाल पूछने के बाद इतने सारे अटैक हों, तो एटमॉस्फेयर को मैं सही नहीं मानता हूँ. खैर, मुझे पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पे कोई डर नहीं लगता, लेकिन हाँ, जब आपके बेटी को कोई ऐसा होता और जब वो डरे, एक बहुत सिंपल सी चीज़ होती है कि आपको उसको एश्योरेंस देने के लिए उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा. मैं उसको बोलता हूँ कि मैं क्या ये सब चीज़ें इग्नोर किया करो, लेकिन शायद पहली बार उसे इग्नोर नहीं हुआ. तो ये सब चीज़ें जो है, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं होना चाहिए. मेरा पूरी तरह से मानना कि किसी भी तरह का मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने जिस प्रधानमंत्री को सपोर्ट नहीं किया था इलेक्शन में, वो जीत गए. ये पब्लिक मैंडेट है, मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ. मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ, और मैंने सरकारों से लड़ाई हमेशा की है. तब सोशल मीडिया नहीं थी, जब मेरी फिल्में बैन हुई थी मैंने कांग्रेस से भी लड़ाई की, मैं सबसे. और मैं अपने आप को मानता हूँ कि एज अ सिटीजन मेरा अधिकार है अपने जिस चीज़ को मैं बिलीव करता हूँ उसके लिए लड़ना सरकार से.
मैं पार्टी से नहीं लड़ता हूँ, मैं सरकार से लड़ता हूँ, क्योंकि आप जो है आप वोट करते हो, आप एक देश में रहते हो और आपका कॉन्ट्ररी ओपिनियन हो सकता है और वो को एग्जिस्ट कर सकता है। हम मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जो लोहिया जी के ज़माने से बीजेपी को वोट करता है, मैं प्रधानमंत्री से एग्री नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल दूँ या मेरे बोलने पर वो ना चुने जाएँ। उनको चुने गए हैं और मैं प्रधानमंत्री हैं और मैं वो अगर कहीं भी आएंगे तो मैं भी उसी तरह रिस्पेक्ट में खड़ा हूँगा जैसे सब खड़े होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर चीज़ से एग्री करूँ और चुप हो जाऊँ। नहीं, उस ट्रोलर ने अपना अकाउंट भी डिलीट कर दिया है और उसने वो ट्वीट भी डिलीट, वो जिस दिन मैंने ट्वीट किया था उसने अपना इंस्टाग्राम का कमेंट भी ट्वीट कर दिया था, डिलीट कर दिया था। लकीली वो स्क्रीनशॉट जब आपको मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे कि इस आदमी ने ऐसा मैसेज किया, वो स्क्रीनशॉट वो टाइम जो है वो सेव्ड है, वो सेव्ड है, जिसकी वजह उसकी खुद की फ़ोटो उस ट्वीट में है, उस आदमी की खुद की फ़ोटो उस ट्वीट में है और उसके सहारे ये लोग ढूंढ रहे हैं।